गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें अपन जो पढ़ रहे थे कि डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स, तो उसमें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो टू पार्ट्स में स्टोकमेट्री और स्टोकमेट्रिक डिफेक्ट्स पर बात की थी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने इसमें डिवाइड किया कि जो स्टोकमेट्रिक और नॉन स्टोकमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, तो अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें नॉन स्टोकमेट्रिक डिफेक्ट्स पर बात थी, ठीक है। तो नॉन स्टोकमेट्रिक डिफेक्ट्स में अपने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें अपने पढ़ा था मेटल एसेस डिफेक्ट और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टीशियल साइट्स, यानी कि क्रिस्टल लैटिस में क्या है कि धातु की अधिकता, और क्या है कि एक अंतराकाशीय स्थानों में क्या हो कि एक कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो, ठीक है, इस पर बात की थी। तो आज हम टुडे वी स्टार्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, ठीक है, यानी कि क्या हो कि धातु की कमी हो, ठीक है भाई। एक में क्या था कि धातु थी, जो मेटल्स थी वो क्या थी, एसएस में थी, अधिक मात्रा में थी, और अब क्या बात कर रहे हैं कि जब क्या हो कि क्रिस्टल लैटिस में मेटल क्या हो, कम मात्रा में हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट्स होता है, इस डिफेक्ट्स का मेन रीजन क्या होता है कि जो कैटायन है उनकी क्या होती है, यहाँ पर कमी होती है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ कैटायन इन क्रिस्टल्स लैटिस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी क्या रहे, क्रिस्टल लैटिस में कमी हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि ये क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स रहेगा। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में अपन पहले बात करते हैं कैटायन वैकेंसीज, कैटायन वैकेंसीज, या अपन बोल दें पॉजिटिव वैकेंसीज। विपोटिव पॉजिटिव वैकेंसीज में क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि जो कैटायन है वो क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस से अपनी पोजीशन को क्या कर जाता है, लीव कर जाता है, यानी कि अपने स्थल है, स्थान है, उनसे क्या हो जाएगा कि वो वहाँ से लीव हो जाएगा, लेफ्ट कर जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि जो मेटल के अदर एटम्स हैं उनकी क्या होती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसे क्या है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या रहेंगे, बैलेंस बने रहेंगे, और क्रिस्टल लैटिस क्या रहेगा, आयनिक रूप से क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें कि ये क्या है कि एक आयनिक क्रिस्टल लैटिस है, ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि किस तरह से ये बैलेंस होगा, अब अपन एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर कि किसी स्पेशल मेटल पर बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या ले लेते हैं, ए बी कोई क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई ए है वो पॉजिटिव चार्ज है, मेटल है, और बी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ए प्लस बी माइनस, ठीक है, फिर ए प्लस या बी माइनस, अब एक में ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, बी माइनस, फिर बी माइनस, ए प्लस, ए प्लस टू, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना ए प्लस टू करा है, ठीक है, अभी बताता हूँ आपको मैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस का एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने जर्नल। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो कैटायन वैकेंसीज है, कैटायन वैकेंसीज में क्या होता है कि
जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें से कोई भी एक कैटायन अपनी पोजीशन क्या कर देगा, लीव कर देता है, यानी कि क्रिस्टल लैटिस से वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर ये क्या बन गए, एक वॉइड्स बन गया। अब वॉइड्स बन गया, ठीक है, लेकिन बात क्या आती है कि जो आयन्स हैं वो क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए। ठीक है, आयन अनबैलेंस्ड हो गए, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो मेटल है, मेटल का कोई भी एक एटम या उसके क्लोजेस्ट नियरेस्ट वाला जो मेटल एटम होगा वो क्या करेगा कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेगा। भाई इसमें से क्या हुआ कि A प्लस आउट हुआ है, तो यानी कि क्या हुआ कि क्रिस्टल लैटिस में एक पॉजिटिव आयन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। तो इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ति करने के लिए क्या होगा, फिल करने के लिए कि एक कोई भी मेटल आयन क्या करेगा कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा, यानी कि A प्लस से वन से क्या हो जाएगा वो A प्लस टू में, अगर टू में है तो वो थ्री से हो जाएगा। ये कंडीशन क्या रहेगी कि जिस कंडीशन में यानी कि जो यहाँ पर जो मेटल है, यानी कि मेटल के कौन सी मेटल है, उस मेटल के बेस पर क्या होगा कि यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन चेंज होगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि जब ये इंक्रीज कर देगा अपनी, तो क्या होगा कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या रहेगा, न्यूट्रली यानी कि न्यूट्रल बना रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि फेरस सल्फाइड है, क्या है, फेरस सल्फाइड है FeS। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो यहाँ Fe प्लस टू में है और S माइनस टू में है। तो अब देखिए कि Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू और प्लस थ्री में इंटर कन्वर्ट होती रहती है, इसकी दोनों स्टेट है, यानी कि ये ज़्यादातर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो किन में होंगे कि जिनकी क्या हो, वेरिएबल वैलेंसीज हों, यानी कि वो मेटल्स आएंगी या वो एलिमेंट्स रहेंगे कि जिनकी क्या रहे, वेरिएबल वैलेंसीज रहें, परिवर्तनशील संयोजकता। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह की दर्शाता हो। तो Fe के अपन जानते हैं Fe प्लस वन भी है, प्लस टू भी और प्लस थ्री भी होती है, तो यहाँ अपन प्लस टू और प्लस थ्री पर बात करेंगे। तो जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है तो इसी तरह से अपन FeS पर बात कर रहे हैं, फिर सल्फाइड पर, ठीक है, ये अपन ने ले लिया Fe प्लस टू, S माइनस टू, Fe प्लस टू, S माइनस टू। ठीक है, या S माइनस टू या Fe प्लस टू, और यह क्या जाएगा, S माइनस टू Fe प्लस टू, S माइनस टू और Fe प्लस टू। अभी मैं आपको ये हैंड पेंड फिल करेंगे इसमें Fe और S का। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि अपन सपोज कर लेते हैं कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसमें से ये वाला यहाँ पर Fe प्लस टू है, क्या रहेगा, Fe प्लस टू आएगा सीरियल से, यहाँ S माइनस टू और यहाँ Fe प्लस टू आ जाएगा। अब क्या होता है कि जो इस तरह का जो डिफेक्ट्स है, यानी कि जो डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स है, तो इसमें अपन कैटायन वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें से क्या होता है कि एक Fe प्लस टू यहाँ से ये आउट हो गया। ठीक है, अब ये आउट हुआ, यानी कि यहाँ से अपने क्या हो गया, पोजीशन को लीव कर गया। पोजीशन लीव करने पर अब यहाँ पर क्या बन गया, ये वॉइड्स बन गए, यानी कि वैकेंसीज बन गई। अब यहाँ पर क्या है कि जो क्रिस्टल लैटिस की कम्प्लीटली बात करें तो इस पर क्या है कि टू प्लस चार्ज की क्या हो गई, प्लस टू चार्ज की कमी हो गई, तो यानी कि ये न्यूट्रली क्या हो गया, न्यूट्रली नहीं रहा, यानी कि ये आयनिक क्रिस्टल बन गया। अब आयनिक क्रिस्टल बन गया तो इस कंडीशन में क्या है कि क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि Fe के क्या करेंगे कि जो अदर एटम्स हैं जो क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेंगे। अब जैसे इसमें क्या है कि Fe प्लस टू है ये, अब यहाँ पर S माइनस टू, अब यहाँ पर जो नियरेस्ट है उनमें क्या है कि कोई भी दो क्या करेंगे अपनी Fe प्लस टू से क्या करेंगे Fe प्लस थ्री स्टेट जा सकती है मैक्सिमम,
तो अभी क्या है कि Fe प्लस 3 हुआ, तो यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज हो गया, लेकिन अभी एक पॉजिटिव और बैलेंस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक कोई दूसरा भी क्या करेगा कि अपनी इसको क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, जैसे अपन ने इसका कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर दो Fe एटम्स ने क्या कर दी कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दी, यानी कि प्लस 2 से प्लस 3 में आ गया। तो प्लस 1 यहाँ इंक्रीज हो गया और प्लस 1 यहाँ इंक्रीज हो गया, यानी कि टोटल हो गए प्लस 2, ठीक है। और प्लस 2 हुए तो क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस क्या हो जाएगा, न्यूट्रली क्या हो जाएगा, बैलेंस, यानी कि न्यूट्रलिटी इसकी बैलेंस रहेगी, यानी कि न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि जो कैटायन वैकेंसीज है इसमें होता है, ठीक है। कैटायन वैकेंसीज में इस तरह से ये एक एग्जांपल होगा FES वाला कि इसमें ये किस तरह से इनमें इंटर कन्वर्ट हो रहा है, और ये इसका एक जनरल एग्जांपल से अपन ने समझाया। जनरली बात क्या है यहाँ पर कि भी कोई भी जो कैटायन यहाँ से लैटिस से आउट होगा तो क्या होगा कि उसकी जो वॉइड्स बनेंगे, वॉइड्स बन जाएगा। अब वॉइड्स तो बना रहेगा, लेकिन मेन बात क्या रहेगी कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो न्यूट्रलिटी को बैलेंस बनाना या न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए क्या होगा कि जो मेटल एटम है वो क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि क्रिस्टल में आयन बैलेंस हो जाएंगे और क्रिस्टल लैटिस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी पर कि प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टीशियल साइड, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एनायन है यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है कि जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है इनमें क्या हो कि जो इसके इंटरस्टीशियल साइड्स है यानी कि जो वॉइड इनके बीच में जो स्थान है, जैसे ये इन चारों के बीच में ये एक स्थान रह रहा है, स्पेस रह रहा है, तो इस स्पेस में क्या हो कि कोई भी एक एक्स्ट्रा क्या आ जाए कि एनायन आ जाए, यानी कि कोई भी एक नेगेटिव चार्ज एडजस्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्रिस्टल लैटिस में नेगेटिव चार्ज की क्या हो जाएगी, जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि जो मेटल है वो क्या करेगी, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर देगी, इंक्रीज करेगी। अब मान लो एक पॉजिटिव आयन आया तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी एक मेटल एटम क्या करेगा, अपनी पॉजिटिव यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को एक ही यानी कि वन ही इंक्रीज करेगा। तो उससे क्या होगा, फिर से ये न्यूट्रल बना रहेगा। लेकिन क्या है कि जो एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टीशियल साइट्स का जो डिफेक्ट्स है ये क्या है कि जनरली नहीं पाया जाता है, फाउंड नहीं होता है। इसका रीजन भी क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें यहाँ पर, सॉरी कि जो इंटरस्टीशियल साइट्स हैं उनकी बात करें तो इंटरस्टीशियल साइट्स का जो साइज होता है यानी कि जो वॉइड्स है उनका जो साइज होता है वो इतना लार्ज नहीं होता है कि जिसमें क्या हो कि कोई भी एनायन आकर के एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब एनायन यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाता है, यानी कि स्पेस कम होने से एनायन यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो, क्योंकि एनायन का साइज होता है वो लार्ज साइज होता है, तो वो इंटरस्टीशियल साइट्स में एडजस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह का डिफेक्ट्स बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बात आएगी वो जो थर्ड आएगी नॉन स्टोकमेट्री डिफेक्ट्स पर, वो आएगी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। वैसे आपको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है कि उसमें किसी अदर मेटल की इम्प्यूरिटी को क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो उससे क्या है कि क्रिस्टल लैटिस में क्या हो जाएगा कि आयन्स अनबैलेंस हो जाएंगे। तो उसको बैलेंस अपन किस तरह से करना है तो वो अपन उसको बताएंगे। उसमें भी वही होगा कि भाई बैलेंस क्या होगा कि वहाँ पर चार्ज अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। थैंक यू।